जहां एक तरफ बॉलीवुड के पर्दे से लेकर छोटे पर्दे की दुनिया में छोटे नन्हे कलाकारों ने अपनी एक्टिंग मासूमियत से लोगों का दिल जीता है, तो वहीं दूसरी ही तरफ छोटे नन्हे कलाकारों के बीच एक नन्हे से कलाकार के निधन को लेकर खबर आने पर सभी दुखी में डूब गए हैं। जी हां, खबर आई है कि गोकुल साई कृष्णा डेंगू की वजह से पिछले काफ़ी समय से बीमार थे और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। बता दें हम आपको, बाला कृष्णा की मिमिक्री के लिए मशहूर गोकुल साई कृष्णा 17 अक्टूबर को आखिरी सांस लेकर हम सबसे दूर चले गए। बेहद ही फेमस लोकप्रिय टीवी रियलिटी शो में हमेशा ही हिस्सा लेने वाले मिमिक्री के चलते जूनियर बाला कृष्णा के नाम से मशहूर साई कृष्णा का निधन सभी को शोक में डाल चुका है। बताना चाहेंगे हम आपको, उनके बारे में हर कोई जानता था कि वो बहुत ही ज़्यादा मासूमियत से हर किरदार में ढल जाते थे। गोकुल चित्तूर जिले के मदानापल्ली शहर से रहने वाले एक शख्स माने जाते हैं, नन्हे कलाकार माने जाते हैं, जो पिछले दो दिन से बहुत तेज़ बुखार के कारण परेशान हुए। अगर माने जानकारियों की तो उनके पिता योगेंद्र और सुमन जली ने बंगलुरु के प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज कराया, लेकिन बंगलुरु पहुंचने से ठीक बाद ये खबर लोगों तक पहुंची कि इलाज कराने में देर हो गई। जी हां, आपको बताना चाहेंगे कि इस त्रासदी के बाद बाला कृष्णा काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। एक्टर बाला कृष्ण काफ़ी दुखी हैं क्योंकि ये खबर मिलने के बाद वो काफ़ी इमोशनल भी हुए। इस बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। गोकुल से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी उन्होंने बात की, तो वहीं गोकुल की आत्मा की शांति की उन्होंने दुआएं भी की। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, हमेशा ही बेहद प्यार किया था उन्होंने गोकुल को, उनकी माँ और पिता के लिए वही वो उम्मीद करेंगे कि इसी तरह वो खुद को संभाल सके। बताना चाहेंगे हम आपको, इनके अलावा रंगास्थलम एक्ट्रेस भी इस बारे में जानने के बाद काफ़ी ज़्यादा रोई। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे, गोकुल के सेहत को लेकर जब बात सामने आई थी तो सभी हैरान हो गए थे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।